नमस्कार न्यूज पॉइंट को स्वागत करुछि मु स्निग्धा। प्रथम नजर पकवा कौन रही आज बिग पॉइंट गुड़िक पाठ पढ़ाइबे शिक्षक भोट बेले शिक्षक जनगणना बेले शिक्षक दायित्व परे दायित्व काम परे काम एबे निर्वाचन एवं जनगणना नथिले भी बिहार रो शिक्षक मानको उपरे लदे दिया जायछि समाज सेवार दायित्व। सेमाने केवल पाठ पढ़ाइबेनी पाठपढ़ा सांग को स्वच्छता मिशन रे निजकु नियोजित करिवे खोलारे शौच करुवा लोकंकु सकाळु संज जाय मॉनिटर करिवे आउ कहिबे द्वार बंद कथा। अंतर्जातीय स्तर में भारत आउ एक कूटनैतिक विजय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बा अंतर्जातीय न्यायालय में भारतीय कूटनैतिज्ञ दलवीर भंडारी को मिली पुनः निजुक्ति दुईथर द्वितीय थर पर आईसीजे निजुक्ति पाई दलवीर बड़ मंच में भारत बड़ विजय। छाड़िले पद्म फुंकिबे शंख बीजेडी मिशिबे बरगढ़ जिला बीजेपी सभापति नारायण साहू दल इस्तफा पर नवीन निवास में सभापति साक्षात कर नारायण डिसेंबर तीन विजयपुर समावेश में बीजेडी से विधिवद्ध भाव जोगदान करेंगे। ओडिशा रसगोला पहाड़ रसगोला ना जगन्नाथ रसगोला क्यों नारे जीआई टैग पाई हेबो आवेदन होइपारुनि चूड़ांत निष्पत्ति क्यों जगन्नाथ संस्कृति किंतु जगन्नाथ संस्कृति सह रसगोलार बहु प्राचीन संपर्क थिबारु जगन्नाथ रसगोला नारे आवेदन पाई आपाततः स्थिर करिछन्ति राज्य सरकार ए बाबदे सुप्रीम कोर्ट वकिलों सह परामर्श करिछन्ति शिल्प विभाग निर्देशक। आसवा संपूर्ण खबर को बिहार रे एणी की शिक्षक माने केवल पाठ पढ़ाइबेनी पाठपढ़ा सह सेमानंकु आउ किछि सरकारी काम भी करबाकु पड़िबो। राज्यर सरकारी स्कूल रे शिक्षक माने एणी की स्वच्छता मिशन रे निजकु नियोजित करिवे खोलारे शौच करुथबा लोकंकु सकाळु संज जाय मॉनिटर करिवे सेमानंकु बुझाइबे स्वच्छ भारत रो वार्ता देबे प्रमाण स्वरूप सेल्फी भी नेबे। शिक्षा विभाग रो एही फरमान शिक्षकंकु पई बाध्यतामूलक होछि तिबेडी प्रश्न उठुछि एथिरे शिक्षा व्यवस्था रे सुधार आसीबो त बिहार रे गुरुजी को पाई नुआ ड्यूटी पाठ पढ़ा सह मिलिला आउ एक दायित्व एणिकी ढाला उपरे नजर रखिबे शिक्षक। बिहार रे एभली शिक्षा व्यवस्था को कौन बा कहिबा कौन कहिबा सही सिस्टम को जे माने समाज को शिक्षित करिबा पाई दायित्व नैछंती से माने एबे ढाला उपरे रखिबे नजर माने खोलारे शौच करुथिबा लोकंक उपरे एथरो नजर रखिबे गुरुजी स्वच्छ भारत वार्ता प्रचार करिवे समाज को संदेश देवा किसी भूल नुहे अभियान भी ठीक किंतु एथिरे शिक्षक मानकु नियोजित पई बिहार रे जो फरमान जारी कर दैछि ताहा ही सृष्टि करिछि अनेक प्रश्न। पिलांकु पाठ पढ़ाइबा परिवर्ते जदि गुरुजी खोला शौचमुक्त अभियान रे नियोजित हेबे ताहाले शिक्षादान उपरे की प्रभाव पड़िबो विभागीय मंत्री को मुंडरे बोधहुए एक कथा दुटिनी। सरकार ने गुरुजी को एक और नया जिम्मा दे दिया है अब गुरुजी सुबह शाम खुले में शौच करने वाले की निगरानी रखेंगे। खोलारे शौच करुथिबा लोकंक उपरे सकाळे ओ संध्यारे नजर रखिबे गुरुजी सकाळ 6 रु 7 एवं संध्या 5 रु 6 टा पर्यंत मास्टर करिबे एक्स्ट्रा ड्यूटी। एही अभियान रे शामिल शिक्षक मानंकु प्रमाण भी देबाक पड़िबो केमिति खोलारे शौच करुथिबा लोकंक बुझाउथिबार एक सेल्फी भी नबाकु हेबो मन न मानिले भी एमिति करिबाकु पड़िबो। ताई ऐसे में तो हम लोग जाएंगे अगर कोई महिला अगर संजोग बसी से कुहासे में अगर मिल गई तो मारने लगी तो फिर क्या सरकारी जिम्मेवारी लेगी हमको बचाएंगे कोई गांव का सवाल है कभी किसके साथ कोई घटना घट सकती है इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। व्यवस्था क्यों नहीं सरकार तो सब दे रही है कहां दे रहे हैं ये देते तो बाहर में थोड़े आते जंगल झाड़ में थोड़े आते हम। सरकार को स्वच्छता अभियान सत्वे लोके खोलारे शौच करिबा अभ्यास जाय नै काहेकि एपरि हेउछि से नै आत्मचिंतन करिबा जरूरी किंतु गुरुजी को एभली हैरान करिबा ठीक हेउछि कि पटनारु रजनीश ईटीवी न्यूज। आशा परवर्ती खबर को अंतर्जातीय स्तर में भारत आउ एक कूटनैतिक विजय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बा अंतर्जातीय न्यायालय जज भावे पुणि थरे निर्वाचित होइछंती दलवीर भंडारी भंडारी को मिली मिलित जातिसंघ साधारण परिषद 183 भोट एपरिक सुरक्षा परिषद समस्त 15 भोट जाई भंडारी सपक्ष में एक बड़ मंच में हो भारत बड़ विजय। बड़ मंच बड़ विजय युएन पुणी भारत विजय
आईसीजे जज हेले जस्टिस दलबीर भंडारी। पुणि थरे आईसीजे भारत जस्टिस दलबीर भंडारी हेले विचारपति। न्यूयॉर्क स्थित जातिसंघर मुख्य कार्यालय होइथिबा निर्वाचन में दलबीर बाजी मारिछंती। भारतर एही सफलता रे वैदेशिक व्यापार मंत्री सुषमा स्वराज ट्वीट करी खुशी प्रकाश करिछंती। दलबीर पुनः निर्वाचित होइथिबारु आईएनजीबी ओ कूटनीतिज्ञ महल रे भी खुशीर लहरी खेलि जाइछि। He has been a fine judge, but more important than the individual victory is the victory of India. It shows that India is now emerging as an important nation. And ultimately the British government had to back out. Full marks to government of India, to the Prime Minister for ensuring a very very high diplomatic victory. ebe asantu janiba bharat pai ei khushi khabar kemiti asila jati sangha sadharana parishad ru 183 vote paichanti bhandari suraksha parishad ra samasta 15 ti vote paichanti bhandari। शेष पर्यायर ब्रिटेन निजर प्रार्थी जस्टिस क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को प्रत्याहार कर पूर्व 2012 भंडारी आईसीजे विचारपति थिले। दलबीर भंडारी एवं 9 वर्ष आईसीजे जज रहिबे। 2014 जस्टिस दलबीर भंडारी को पद्मभूषण सम्मान रे सम्मानित करा जायतिला। 1946 परे प्रथम थर पर अंतर्जातीय कोर्ट ऑफ जस्टिस रे ब्रिटेन परी बड़ राष्ट्रर कौन विचारपति रहिबेनि। भारतीय जज भावे दलबीर भंडारी को एही उपलब्धि आज भारत पई आनी देछि खुशी और गौरव। अगर आप उन्हें पुल आउट कर दिया, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है उनकी और उनके ओर से, और भारत सरकार को इसे अप्रिशिएट करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। और अब इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में कोई परेशानी नहीं होगी। एबे दलबीर भंडारी को कैरियर उपरे नजर पकाइबा। 1947 अक्टोबर 1 रे राजस्थान जोधपुर रे जन्म। बापा व दादा राजस्थान बार एसोसिएशन रो सदस्य थिले। जोधपुर विश्वविद्यालय रु आईन पढ़ी भंडारी। राजस्थान उच्च न्यायालय रे वकीलाती करथिले। यहाँ परे 2005 रे सुप्रीम कोर्ट विचारपति थिले भंडारी। जस्टिस दलबीर भंडारी को एही विजय अंतर्जातीय स्तर रे भारतर गुरुत्व को आहुरी बढ़ाई देछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विजयपुर उपनिर्वाचन पूर्वरु बरगढ़ राजनीति में कंपन। दलबदल पर्व में बड़ ट्विस्ट बीजेपी छाड़ी बीजेडी क्यांप को आसी जिला बीजेपी सभापति नारायण साहू। सुबला पत्नी रीता बीजेडी प्रार्थी करने असंतुष्ट अशोक पाणिग्राही दल में सामिल कर शासक दल को चैलेंज देता बीजेपी, किंतु एवं दल भितर बीजेपी को लगी बड़ झटका। बीजेपी राज्य सभापति इस्तफा पत्र पठाई नारायण। विजयपुर उपनिर्वाचन पूर्वरु राज्य राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा। पद्म छाड़ी शंख धरी बीजेपी बरगढ़ जिला सभापति नारायण साहू। मंगलवार सका नवीन निवास में चली मिश्रण पर्व लगी बरगढ़ जिलार शताधिक बीजेपी कर्मी भिड़। गणमाध्यम को उड़ाइवाई गहली भितर नारायण को धरी पहुंची जा बीजेडी वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्र और प्रणव प्रकाश दास तीन नेता तरतर हो पशि जा बंद कोठरी। मिश्रण पर्व सर भितर नारायण नवीन साक्षात फेर पर नारायण कहले बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे मिशिली, किंतु विधिवत योगदान हेबो डिसेंबर 3 विजयपुर समावेश। भावुली बीजेपी जोड़े गोटे आदर्श पार्टी दल, किंतु से नीति नैतिकता किसी ना, त्याग तपस्यार किसी मूल्य ना, एवं सेठी अहंकार भाव चली। से मु पुनर्बार मो परिवार को फेरवापाई मु इच्छा प्रकाश कली एवं आज त्यागपत्र दे। नवीन पट्टनायक नीति आदर्श से जहाँ चली आग को चली अनुप्राणित हो मुझे विजु जनता दल में मिसली। निज दल बीजेपी को झटका, किंतु राज्य सभापति बसंत पंडा कहते नारायण गले कौनसी प्रभाव पड़ी तांकु दलरु बहिष्कार करा जायछि। बीजेडी कहिछि नवीन को नीति आदर्श रे प्रभावित हुई जेउ माने दल को आसीबे समस्तंकु स्वागत करा जिवो। भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता केबे भी अननिश्वासी हुए नाही, समान समस्तंकु समान प्रकार मान सम्मान दिया जायछे। वरिष्ठता भित्तिरे तांकर मनरे शायद आमे प्रभाव पकेई पारलु नाही, एवं अन्य प्रभाव रे प्रभावित हेकरी
ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଯେତେ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବ ସେ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ସେମାନେ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଜେପି ମାରିଛି ଫେଲ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଉର୍ପାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଥିବା ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ନୂଆ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ନୂଆ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ। ନାରାୟଣ ବାବୁ, କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ। ମୋ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚଷା ଘରର ପିଲା, ମୋର ଚାଷ ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ କୁଲତା ଲୋକ। କୁଲତା ସଂଖ୍ୟା 57, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 57% କୁଲତା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରି ଯେତିକି ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର 50% ଲାଭାଂଶ ଦେଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା। ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆପଣ 1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିରେ ରହିଲେ, ଏ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ MSP କଥାଟା ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ଦଳ ଭିତରେ କେବେ? ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅନେକ ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇଦେବି ସେ ଲେଖା ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନରେ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥିଲି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ତଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ, ସେହି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦଳର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। କ'ଣ ଆପଣ ବିଜେପିରେ କ'ଣ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନା ଦଳର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦଳ ଯେଉଁ କଥା? ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲି, ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି। ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି, ଆପଣ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ? ଆପଣ ରୀତା ସାହୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ମିଶିଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ କହିବା କଥା ନାରାୟଣ ସାହୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ, ଯଦିଓ 3 ତାରିଖରେ ବିଜେପୁରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ବିଜେପିରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା କଥା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଦଳର ଜଣେ ସଚ୍ଚା କର୍ମୀ ଭାବେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।